श्री राम समर्थ जनवरी 6 नाम और रूप का संबंध। क्या नामस्मरण करते समय रूप का ध्यान आवश्यक है? वस्तुतः नाम और रूप दोनों भिन्न है ही नहीं, किंतु नाम रूप के पहले भी होता है और बाद में भी रहता है। नाम रूप को व्याप्त करके रहता है। वाल्मीकि ने राम जन्म के पहले रामायण लिखी, राम ने उसके बाद जन्म लिया और रामायण में जैसा राम का वर्णन किया गया था वैसा आचरण करके दिखाया। मतलब यह हुआ कि रूप के अस्तित्व के पहले नाम था और रूप के मिटने के बाद भी आज नाम बचा है। देश कालातीत जो बात निरंतर टिकती है वही सत्य है। प्रत्यक्ष में अनेक रूप बने और उनका विलय भी हुआ, लेकिन उनका नाम शेष है। मतलब नाम देश काल की सीमा के परे होता है। तात्पर्य रूप की अपेक्षा वह अधिक सत्य होता है, अधिक शाश्वत होता है। जो सत्य होता है वह श्रेष्ठ होता ही है। अर्थात नामस्मरण करना प्रधान ध्येय है। नामस्मरण करते समय यदि अनायास रूप का भी ध्यान रहा तो अच्छा ही है, किंतु यदि रूप का ध्यान न रहा तो भी नामस्मरण करते समय रूप का स्मरण सूक्ष्म मात्रा में होता ही है। मान लो कि किसी गृहस्थ के घर कोई नौकर है और उसका नाम राम है। वह गृहस्थ राम नाम जप रहा हो, लेकिन उसका ध्यान राम के रूप की ओर नहीं है, चिंतन किसी और बात का ही चल रहा हो। ऐसे क्षण को उससे किसी ने पूछा कि तुम किसका स्मरण कर रहे हो, तो गृहस्थ तत्काल उत्तर देगा, राम का ही स्मरण कर रहा हूँ। उत्तर देते समय उसके मन में दशरथ पुत्र राम ही होगा, न कि घर का नौकर राम। मतलब यह हुआ कि नामस्मरण करते समय सूक्ष्म मात्रा में रूप का ध्यान जागृत रहता ही है। इसलिए रूप का साक्षात्कार हो या न हो, नामस्मरण करना बंद नहीं करना चाहिए। उसे प्रयत्न पूर्वक अखंड रूप से जारी रखना चाहिए। सारा सार इसी में है। यदि किसी व्यक्ति का और हमारा पूर्व परिचय है तो हमारे सामने पहले उसका रूप आता है और बाद में नाम आता है, किंतु हमसे वह व्यक्ति पूर्व परिचित नहीं होगा और हमने उसे पहले देखा नहीं होगा तो हमारे ध्यान में केवल उसका नाम आता है। वर्तमान स्थिति में हमारा भगवान से परिचय नहीं है और न ही उसके रूप को हम जानते हैं, किंतु हम उसका नामस्मरण जरूर कर सकते हैं। आज भी हमें नामस्मरण करते समय उसका स्मरण है ही, हमारा यह अनुभव भी है, किंतु भगवान का रूप भी हमें निश्चित रूप से क्या ज्ञात है। एक राम काला है तो एक राम गोरा है, एक छोटा है तो एक बड़ा है, किंतु सभी रूप राम के ही होते हैं। भगवान तो स्वयं रूप है। मतलब जो रूप हम भगवान को देते हैं वही उसका रूप होता है। अतः किसी भी रूप में हम उसका ध्यान करेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है। नामस्मरण से ही भगवान के अनंत रूप निर्माण होते हैं और अंत में उसी में विलीन होते हैं। फलतः भगवान नाम श्रेष्ठ है। अखंड मात्रा में उसका स्मरण करो और प्रसन्न रहो। आज का मुख्य विचार, दान में श्रेष्ठ दान अन्नदान, उपासना में श्रेष्ठ उपासना सगुणोपासना और साधन में श्रेष्ठ साधन नामस्मरण। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।